नमस्कार प्यारे बच्चों, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू क्लासिफाई मैटर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट आर द मैटर। मैटर इज एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। यहाँ पर मैंने इसके एग्जांपल बता रखे हैं, एयर, वाटर, मेटल, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ मैटर। नाउ क्लासिफिकेशन, तो मैटर को क्लासिफाइड कर सकते हैं दो कैटेगरीज में डिपेंडिंग ऑन इट्स फिजिकल एंड केमिकल नेचर। किसी भी मैटर की फिजिकल नेचर कैसी है और उसकी केमिकल नेचर कैसी है, इसके बेसिस पे हमने मैटर को क्लासिफाइड किया है फिजिकल एंड केमिकल में। अब जो फिजिकल मैटर होंगे उनको फर्दर हमने क्लासिफाइड किया है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। केमिकल बेसिस पे मैटर को फिर फर्दर क्लासिफाइड किया है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर में। प्योर सब्सटेंस टू टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाइड किया है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड में। कंपाउंड्स को फर्दर क्लासिफाइड किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। और मिक्सर भी हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, वन इज़ होमोजेनियस मिक्सर एंड अनदर इज़ हेट्रोजेनियस मिक्सर। अब सॉलिड, लिक्विड, गैसेस क्या होती है, ये हम जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। सॉलिड के पास क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। गैसेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो कंप्रेसिबिलिटी होती है। लिक्विड की जो प्रॉपर्टी होती है वो टू फ्लो होती है। ये सब चीज़ें हमने जूनियर क्लासेस में इनका क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ रखा है। नाउ हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट से कि एलिमेंट क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जो क्या होंगे, केवल एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास, एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट कितने टाइप, अभी तक 112 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जा सकता है। हो सकता है ये किसी बुक में कुछ अलग दिया हुआ हो, कहीं पर 116 है, किसी बुक में 118 है। तो वी विल फॉलो योर एनसीईआरटी। एलिमेंट्स जो 112 है, अबाउट 112 जो एलिमेंट्स हैं उनमें से जो 92 हैं वो क्या होते हैं, नेचुरली अक्रिंग है। और जो रिमेनिंग होते हैं दे कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशली, उनको हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एलिमेंट की मैंने क्या डेफिनेशन लिखी है, प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। जैसा मैंने अभी बताया, एलिमेंट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। अब ये भी हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, विच आर हार्ड, जिनके पास मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे जिंक हो सकता है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है। नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होंगे, ब्रिटल होंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगी। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, दीज ऑल द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो किस तरह की होती है, जिनके पास मेटल की तरह भी बिहेव करेंगे और जो नॉन मेटल की तरह भी बिहेव रखेंगे, मतलब जिनकी प्रॉपर्टी मेटल एज वेल एज नॉन मेटल दोनों की तरह होंगी, वो क्या होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड। नाउ कंपाउंड्स क्या होते हैं, दीज आर द प्योर सब्सटेंस विच कैन बी डिकम्पोज इंटू सिंपलर सब्सटेंस बाय सम सूटेबल केमिकल मेथड। क्या मीन्स हुआ, सपोज मैं इसको एग्जाम्पल से बताती हूँ कि हमारे पास क्या है, H2O। तो H2O इज ए कंपाउंड। H2O क्या है, एक कंपाउंड है। देखो मैंने अभी यहाँ बताया H2 क्या है, एलिमेंट है, पर यहाँ पर क्या हुआ, दो सिंपलर सब्सटेंस कंबाइन हो गए और इन्होंने एक नया कंपाउंड फॉर्म किया है विच इज़ अवर H2O। अब जब ये जो H2O होता है इसको हम किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, बट H2O कैन बी डिकम्पोज ओनली बाय द केमिकल मेथड। H2O को हम किससे, इसके सिंपलर सब्सटेंस में डिकम्पोज करेंगे, वो होंगे इनके केमिकल मेथड। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा हुआ है, प्योर सब्सटेंस विच कैन बी डिकम्पोज इंटू सिंपलर सब्सटेंस बाय सम सूटेबल केमिकल मेथड। जिनको किस तरीके से तोड़ा जा सकता है, केवल उनके केमिकल मेथड के थ्रू। अब कंपाउंड इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन ए डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर H2 और O है, ये दोनों कंबाइंड हुए। अब हम
वाटर का सैंपल कहीं से भी लें, किसी भी जगह से हम वाटर लेंगे, उनमें हमेशा जो हाइड्रोजन होगा और जो ऑक्सीजन होगा उनका रेशो 1:8 ही होगा। वो रेशो किस कभी ऐसा नहीं है कि हमने किसी एक जगह का सैंपल वाटर लिया, किसी दूसरी जगह का वाटर सैंपल लिया तो वहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो अलग हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। वाटर हमेशा जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशो होगा वो कितना होगा, 1:8 ही होगा। When compound is formed by the constituting elements, they lose their properties. Meaning क्या हुआ, देखो हम इसको एक example से देखते हैं कि हमारे पास hydrogen है, hydrogen कैसी होती है, combustible होती है। Oxygen होती है, यह क्या करती है, supporter of combustion, combustion में support करती है। But water is neither combustible nor supporter of combustion, ना तो ये क्या होती है combustible होता है और ना ये supporter of combustion होता है। तो जो water है इसकी जो property है it is entirely different from हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से डिफरेंट प्रॉपर्टी का हमें कंपाउंड मिल रहा है वो हमारे पास वाटर है। और जो हाइड्रोजन थे और जो ऑक्सीजन थी इन्होंने जो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी उसको क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो यही मैंने यहाँ पर इसमें बताया है तुम्हें कि व्हेन कंपाउंड इज फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट लूज देयर प्रॉपर्टी, ये अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। कंपाउंड को भी मैंने बताया था फर्दर क्लासिफाइड किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो कार्बन होता है वो क्या होता है उनके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट का मेन पार्ट होता है, और दे आर ओरिजिनली ऑप्टेंड फ्रॉम द लिविंग सोर्सेज। ये कहाँ से ऑप्टेंड होते हैं, लिविंग सोर्सेज से ऑप्टेंड होते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल क्या हो गए, ऑयल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब क्या है इनके एग्जाम्पल है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, दे आर ऑप्टेंड बाय द नॉन लिविंग सोर्सेज। नॉन लिविंग सोर्सेज जैसे हमें कहाँ से मिलेंगे, रॉक से मिलेंगे या मिनरल से मिलेंगे। एग्जाम्पल जैसे NaCl, CaCO3, ETC आर द एग्जाम्पल ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सर टू सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस, मतलब और दे कैन पजेस वेरिएबल कंपोजिशन एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूटिंग कंपोनेंट बाय सम सूटेबल